गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 8 का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपके मई के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये हमारा मई का दूसरा पार्ट यानी कि टेस्ट नंबर 2 का पार्ट है। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो प्यारे बच्चों, इसमें से आपसे पूरी कहानी में से आपको पूरी कहानी आनी चाहिए, पूरा पाठ आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको हिंदी में या संस्कृत में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो यही हो गया, जैसे बिलस्य, इसमें आप विभक्ति बताइए कौन सी है, कदापि का अर्थ क्या है, या इसके लेखक कौन है, पंचतंत्र का अर्थ क्या है, शेर का नाम क्या था, गीदड़ का नाम क्या था, ये सारे आपके। इसके बाद है आपके शब्दार्थ। शब्दार्थ में वही है, आपको शब्द दे दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, और जो आपका ठीक होगा उस पर आप क्लिक करोगे। शब्दार्थ याद करने हैं सारे के सारे अच्छे से। ऐसे ही हैं प्रश्न उत्तर, हिंदी में पहले समझा चुकी हूँ, अभ्यास सारा करवा चुकी हूँ, तो आप संस्कृत में ही नाम याद रखेंगे। आपको वहाँ लिखना तो नहीं है, क्लिक ही करना है, जस्ट आपको चूज करना है। पूर्ण वाक्य में प्रश्न ये नहीं आएंगे, प्रश्न निर्माण आ सकते हैं, घटना क्रमानुसार ये नहीं आएगा। इनको कर लेना, वन वर्ड ये बन सकते हैं क्वेश्चन, फिलअप आपके डलते नहीं हैं। तो ये आपका रुचिरा का था। अब आइए व्याकरण का लेते हैं हम। दूसरा पाठ है हमारा धातु, और धातु में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि धातु किसे कहते हैं, या मतलब धातु का अर्थ क्या है, कितनी धातु होती हैं, कितने प्रकार होते हैं, यानी कि वन वर्ड क्वेश्चन जो इनमें से बने छोटे छोटे हिंदी में, आप उनको अच्छे से, यानी का भाव है कि आप इसको चैप्टर को, लेसन्स को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे यह है वर्तमान काल के लिए लट लकार है, भविष्य के लिए लरीट, भूतकाल के लंग, आज्ञा आदि में लोट लकार, चाहिए प्रार्थना आदि में विधि लिंग लकार, तो इनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर बात आती है जो धातु मैंने याद करवाई थी आपको, पांचों लकार, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पटसी धातु में वचन कौन सा है, या पटसी धातु पटसी रूप है वो कौन सी धातु का है, या पटसी में पुरुष कौन सा है। ये इस तरह के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सारे आपके चॉइस में उसमें होंगे, ऑप्शन में। पांचों लकार करोगे, पट धातु करवाई है मैंने आपको, गम करवाई है, सेवंथ वाली भी, सेवंथ में भी आप कर चुके हो, सेम वही पैटर्न रहेगा आपका। ये नम है। इसके अतिरिक्त आपकी और कोई धातु में से क्वेश्चन बनकर नहीं आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 15 मिनट का टाइम डाला है आपके लिए, 20 क्वेश्चन के लिए, बहुत इजी हैं, हिंदी में भी हैं, संस्कृत में भी हैं, तो आप बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करो, थोरोली स्टडी करो। ऐसे नहीं है कि गैस मार दिया कि ये आएगा वो आएगा, आप अगर इसको डीपली पढ़ोगे तो आपको सारा जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत ईजी हैं, आप उसको अच्छे से कर सकोगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।